हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण। टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिट नंबर 5 एंड जिसका नाम है वेब सिक्योरिटी, और इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करने वाले हैं कि 5.2 हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वेब सिक्योरिटी थ्रेड्स। ओके, यानी कि वेब सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या है और वो किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हैकर थ्रू किस टाइप से हमारी वेब सिक्योरिटी के अंदर यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब वेब सिक्योरिटी थ्रेड्स इज़ एनी थ्रेड्स डेट यूजेज द वर्ल्ड वाइड वेब टू फैसिलिटेट साइबर क्राइम। वेब थ्रेड्स यूज मल्टीपल टाइप्स ऑफ मलवार एंड फ्रॉड, ऑल ऑफ विच यूटिलाइज HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स, बट मे ऑल्सो एम्प्लॉय अदर प्रोटोकॉल्स एंड कंपोनेंट्स सच एज लाइक इन ईमेल और IM और मलवार अटैचमेंट्स और ऑन सर्वर डेट एक्सेस द वेब। यानी कि जो भी लोग HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जो भी कोई वेब सर्वर है वो यूज़ करता है, फिर भी जो हैकर्स है वो ईमेल थ्रू और IM थ्रू जो मलवार जो अटैचमेंट होते हैं वो हमारे सर्वर में भेज देते हैं और हमारे सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। वो 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है कि पुल बेस्ड थ्रेट एंड पुश बेस्ड थ्रेट। ओके, सो नेक्स्ट आएगा कि व्हाट इज सिक्योर स्कॉट लेयर, यानी कि SSL। ओके, सो आगे मैंने यूनिट नंबर 4 में हमने दिखाया था कि SSL का यूज जो है वो ईमेल में क्या होता है। तो ये जो SSL है उसका पूरा नाम है सिक्योर स्कॉट लेयर, ए उसका आर्किटेक्चर है, फिगर है। ओके, सो ए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जिससे हम सर्वर और क्लाइंट के बीच एक इंक्रिप्टेड लिंक को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे हमें वेबसाइट और वेब ब्राउजर के बीच में सिक्योर कनेक्शन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो इंटरनेट में डेटा को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए यह एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। इस इंक्रिप्शन टेक्निक को नेटस्केप ने 1990 में डेवलप किया था। ओके, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जो ऑनलाइन डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ओके, यानी कि एक इंक्रिप्शन टेक्निक है। तो एक किसने डेवलप किया था, तो इसे सिक्योर स्कॉट लेयर ने 1999 में नेटस्केप ने मींस के इनवाइट किया था। सो SSL में जो SSL जो होता है उसमें 2 टाइप्स की हम जो की है वो यूज़ करते। तो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बता देती हूँ। SSL जो है उसमें 2 टाइप की यूज़ की जाती है, एक है पब्लिक की और दूसरी है प्राइवेट की। तो SSL में जो पब्लिक की का यूज़ करते हैं वो सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होती है, और एक जो प्राइवेट की होती है सिर्फ रिसीवर को पता होती है। ओके, यानी कि SSL का ज़्यादातर यूज़ किस जगह पे होता है, तो SSL का जो ज़्यादातर का जो यूज़ होता है वो क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इवन, और जो इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट में है उसे सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए हम SSL का यूज़ करते हैं। ओके, आपने जो देखा होगा कि बहुत सारी जो वेबसाइट होती है वो SSL का मींस के यूज़ करती है, जिसके कारण वेबसाइट हमेशा क्या होती है HTTP से शुरू न होकर HTTPS, यानी कि जो बहुत सारी वेबसाइट होती है वो SSL का यूज़ करती है। तो आपने देखा होगा कि जो भी वेबसाइट होती है वो सिंपल से HTTP नहीं पर इसके पीछे S लगा हुआ होता है, तो उस वेबसाइट में SSL का यूज़ किया जाता है। सो SSL का यूज़ करने के लिए, वेबसाइट में यूज़ करने के लिए बहुत सारे जो स्टेप है जो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से वेबसाइट में वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑल स्टेप में आएगा कि एक ब्राउज़र SSL द्वारा सिक्योर वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए ट्राई करता है। सेकंड स्टेप में क्या करता है, तो उसके बाद ब्राउज़र वेबसाइट से खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है।
थर्ड, इसके बाद वेबसाइट ब्राउजर को SSL सर्टिफिकेट की कॉपी सेंड करता है। फोर्थ नंबर में ब्राउजर ये चेक करता है कि SSL सर्टिफिकेट सही है या रॉन्ग। अगर ये राइट है तो ब्राउजर वेबसाइट को एक मैसेज सेंड करता है। और लास्ट में जो वेबसाइट है वो ब्राउजर को एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। और इस टाइप से वेबसाइट और ब्राउजर के बीच SSL इंक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से जो SSL है वो वर्क करता है। सो नेक्स्ट आएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यानी कि TLS। तो ये क्या है? तो अ प्रोटोकॉल डेट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बिटवीन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क। आपने जाना होगा कि SSL को मीन्स के मॉडिफाई करके TLS जो सिक्योरिटी है वो इन्वाइट की गई थी। उसके अंदर टू लेयर्स है, TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल एंड TLS हैंडशेक प्रोटोकॉल। सो TLS जो है वो किस तरह से वर्क करता है? तो TLS एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ इंटरनेट के जरिए किसी दो सर्वर एप्लीकेशन के बीच डेटा और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो जो TLS है वो नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए एंड टू एंड जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इंटरनेट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके दो टाइप के अलग अलग जो दो नोड्स के बीच होने वाले किसी भी डेटा ट्रांसफर के लिए प्राइवेसी इंटीग्रिटी और उसके लिए प्रोटेक्शन मीन्स के जो TLS है वो हमें देता है। तो यहाँ पे आप फिगर आउट देख सकते हो और उसके जो दो प्रोटोकॉल है वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो उसका जो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो रिकॉर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल है। तो वो किस तरह से वर्क करता है? तो TCP प्रोटोकॉल के सबसे ऊपर में वो वर्क करता है। रिकॉर्ड बेस्ड जो प्रोटोकॉल है वो TCP प्रोटोकॉल से सबसे ऊपर में वो वर्क करता है और इस बात को भी कंफर्म करता है कि जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है वो सिक्योर और रिलायबल है। अगर TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा इंक्रीशमेंट की सर्विस को भी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हैंडशेक प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करता है? तो हैंडशेक जो प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट और सर्वर को एक दूसरे को ऑथेंटिकेशन करने के और उसके बाद डेटा को सेंड करने से पहले एक इंक्रिप्ट किए हुए अल्गोरिदम का यूज करके उस डेटा के लिए राइट क्लाइंट और सर्वर को मींस के क्या करता है, चूज करता है। सो नेक्स्ट आता है सिक्योर सेट ट्रांजेक्शन। वो क्या है? तो उसे किसने डेवलप किया था? तो ये जो है डेवलप बाय वीजा एंड मास्टर कार्ड के लिए उसे डेवलप किया गया था। तो ये किसने यूज किया था? तो सेट को 1996 में सेट कंज्यूमर ने विकसित किया था। ठीक है, तो सेट का यूज हम किस तरह से करते हैं? तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंड है। क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट है जिसका यूज नेटवर्क में क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को सिक्योर रखने के लिए किया जाता है। यह एक ओपन सोर्स और क्रिप्टोग्राफी पर डिपेंड प्रोटोकॉल है जो नॉन सिक्योर भी है। ओके, जो नॉन सिक्योर नेटवर्क में पेमेंट ट्रांजेक्शन को सिक्योर करता है। सेट एक पेमेंट सिस्टम नहीं है पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक ऐसा ग्रुप है जिसके थ्रू यूजर एक ओपन नेटवर्क में सिक्योर तरीके से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो नॉन सिक्योर एप्लीकेशन है उसमें यूज़र सिक्योर तरीके से अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो पेमेंट कर सकता है। तो उसकी प्रोसेस क्या है? तो कार होल्डर, मर्चेंट, इश्यूअर, एक्वायर, पेमेंट गेटवे एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो फीचर्स ऑफ सेट के क्या है? तो इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियली रखना, डेटा की इंक्रीग्रेटी को बनाए रखना, कार होल्डर के अकाउंट को ऑथेंटिकेशन करना और मर्चेंट को ऑथेंटिकेशन करना उसका वर्क है। ठीक है, उसके अंदर जो इतने सारे जो होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं।
ओके सो इसके एडवांटेज क्या है, तो ये हैकर से यूज़र के क्रेडिट कार्ड डिटेल को सिक्योर रखता है, ये हार्डवेयर डिपेंडेड होता है, इसका यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, इसके द्वारा इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं कि सुरक्षित रखते हैं या डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, ओके ये सारे इसके एडवांटेज है। और उसके जो डिसएडवांटेज है उसमें क्या आएगा, सो इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो ये यूज़र के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। सेकंड आएगा छोटी पेमेंट, स्मॉल पेमेंट करने के लिए बहुत ही महंगा है। और थर्ड डिसएडवांटेज ये आएगा कि इसे यूज़ करने के लिए क्लाइंट सॉफ्टवेयर यानी कि ई वॉलेट को इंस्टॉल करने की बहुत ज़रूरत होती है। सो इसमें हमने आगे जो भी देखा कि जो कार होल्डर है तो उसमें हर एक का जो रोल है वो क्या है, तो सबसे पहले आता है कि कस्टमर। तो कस्टमर का जो होता है वो क्या होता है कि कस्टमर वेबसाइट को ओपन करता है और डिसाइड करता है कि उसे परचेस करना है या नहीं। सेकंड, कस्टमर ऑर्डर और पेमेंट इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, जिससे दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ पार्ट है परचेस ऑर्डर, ये जो पार्ट है ये मर्चेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड है कार्ड इंफॉर्मेशन, जिसका यूज़ केवल मर्चेंट के बैंक के लिए किया जाता है। थर्ड जो है उसमें मर्चेंट का रोल क्या है, तो मर्चेंट कार्ड की इंफॉर्मेशन को अपने बैंक को सेंड करता है। थर्ड, मर्चेंट का बैंक पेमेंट ऑथोराइजेशन के लिए इश्यूअर को चेक करता है। नेक्स्ट आएगा इश्यूअर और मर्चेंट, इश्यूअर मर्चेंट के बैंक को ऑथोराइजेशन सेंड करता है, ठीक है। मर्चेंट का बैंक मर्चेंट को ऑथोराइजेशन भेजता है। नेक्स्ट, मर्चेंट ऑर्डर को कंप्लीट करता है और कस्टमर को क्या देता है, कंफर्मेशन देता है। एट, मर्चेंट को अपने बैंक से ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है और इश्यूअर कस्टमर के लिए क्रेडिट कार्ड के बिल को प्रिंट करता है। ये सारे जो भी मैंने आपको बताए, इस सारी ये जो प्रोसेस है उस तरह से हमारा जो सेट है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ये वर्क करता है। यहाँ पे हमारे जो CNS के 5 यूनिट थे यानी कि जो लास्ट यूनिट था वो भी कम्प्लीट हुआ।